हेलो साथियों, मेरा नाम है विशाल कुशवाहा। आपका अपने चैनल विकेश रिपेट फाप आपसे का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज की क्लास हम पढ़ेंगे दो चर रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज नंबर 3.2। और नेक्स्ट, इसके पिछले वीडियो में क्लास हम लोग किए थे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन हम लोग कर दिए थे कि ग्राफिक विधि द्वारा, जो ग्राफिक विधि द्वारा होता है दो चर रैखिक समीकरण युग्म का कैसे ग्राफिक विधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो तीन कंडीशन होता है, जैसे प्रतिच्छेद करती हैं एक रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेदन करती हैं, एक दूसरे रेखाएं कब समांतर होती रहती है, कब समपाती होती हैं। इसको मैं बता दिया था कल, कल के वीडियो में बताया था कि कब समांतर होते, कब समपाती होते था, कब तो प्रतिच्छेदित एक दूसरे को करती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, दे रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहले का पहला देखते हैं। कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कक्षा यक्ष में 10 विद्यार्थियों, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 10 है जो प्रतियोगिता में भाग लिए। कुल विद्यार्थी या प्रतियोगिता में भाग जो प्रतियोगिता में भाग लिए दस है, तो यहाँ पे मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या यक्स लड़कों की संख्या वाई है, माना लड़कियों की संख्या यक्स तथा लड़कों की संख्या वाई है। तब यहाँ पे जो लड़के हैं और लड़की मिल के जो भाग लेते हैं उनकी संख्या 10 है, तो एक समीकरण बन जाएगा यक्स प्लस वाई, लड़कों को जो मिल भाग लेते हैं उनकी संख्या क्या है? 10 है। समीकरण एक बन गया। का इसमें कह रहा है ना कि कक्षा यक्स में 10 विद्यार्थी गणित के पहली में भाग लिया। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या 4 से अधिक हो, लड़कियों जो संख्या लड़कों की संख्या 4 से अधिक, तो पहला कंडीशन ये बन गया कि यक्स और वाई, यक्स लड़की यहाँ है और वाई लड़के हैं, तो दोनों मिल के भाग लेते हैं, टोटल 10 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल 10 होगा। आप कह रहा है प्रश्न अनुसार देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है तो माना लड़कियों की संख्या यक्स है और लड़कों की संख्या वाई है, तो 4 अधिक लड़कियों की संख्या है तो +4 हो जाएगा। इधर लड़कियों की संख्या होगा, लड़कों की संख्या 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या यक्स है, तो लड़कों की संख्या वाई है, तो 4 अधिक है तो +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा यक्स माइनस वाई इक्वल 4। ये समीकरण 2 बन गया। तो क्या हो गया था, समीकरण के युग्म बनाए, तो समीकरण क्यों बन गया एक और दो, समीकरण का युग्म एक और दो बन गया। अब इसको ग्राफिक विधि से हल करेंगे। ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो क्या प्रत्येक समीकरण के तीन हल प्राप्त होंगे? ग्राफिक विधि से हल करने के लिए प्रत्येक समीकरण के तीन हल प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, समीकरण का जो युग्म बताइए तो बन गया, इसको ग्राफिक विधि से कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि ग्राफिक विधि से प्रदर्शित करने के लिए या ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करने के लिए समीकरण के तीन हल होंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट समीकरण, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट समीकरण हम टेबल जब बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए इसको हम इरेजर करते हैं और एक साइड में हम टेबल बना लेते हैं। आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो इरेजर करते हैं तो एक साइज ये दिया है, यहाँ पे हम इसको भी, ये तो आप देख लीजिए ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करने समीकरण तीन हो गए, इतना तक देख लिया। समीकरण एक से हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक आपका क्या था दोस्तों? एक्स प्लस वाई इक्वल 10 था समीकरण एक, और इससे हम जब ज्ञात करेंगे टेबल, इसका हम बनाएंगे ग्राफिक विधि से प्रदर्शित करने के लिए, तीन हल होंगे। एक्स और वाई, अगर दोस्तों एक्स वाई है, एक्स बराबर हम फाइव यहाँ पे अगर रखते हैं, एक्स बराबर फाइव, तो यहाँ से हम वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, फाइव प्लस वाई इक्वल 10, तो वाई होगा 10
10 माइनस 5 तो वाई बराबर भी 5 हो जाएगा, वाई बराबर भी 5। एक्स बराबर अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए अगर एक्स बराबर यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे 4 प्लस वाई इक्वल 10, तो वाई बराबर 10 माइनस 4 तो वाई बराबर 6, यहाँ 6 हो जाएगा। एक और मान रखते हैं, अगर एक्स बराबर यहाँ पे हम 6 रख देते हैं तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 प्लस वाई इक्वल 10, तो वाई इक्वल 10 माइनस 6 तो वाई इक्वल 4, 4 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों एक समीकरण से हमको 3 बिंदु पता चल गया, एक तो पता चल गया यहाँ पे हम लिख देते हैं 5,5, दूसरा पता चल गया 4,6 और तीसरा पता चल गया 6,4। अब समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 मेरा क्या था दोस्तों, एक्स माइनस एक वाई इक्वल 4, यही समीकरण 2 था। इरेजर कर दिया, पीछे बता दिया। अब समीकरण 2 से यहाँ पे हम टेबल फिर बनाएंगे, एक्स वाई लिखेंगे। अब यह समीकरण 2 में देखो दोस्तों, देखेंगे समीकरण 2 में जब एक्स बराबर 5 रखते हैं तो यहाँ से एक्स बराबर 5 रखेंगे तो माइनस वाई इक्वल 4 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस वाई इक्वल 4 माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल -1 तो वाई इक्वल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स बराबर एक और मान रखेंगे, एक्स बराबर हम 4 रखते हैं या 3 कुछ भी आप रख सकते हैं, मान कुछ भी रख सकते हैं, तो आप 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस वाई इक्वल 4 हो जाएगा और इधर जाएगा तो -y=4 -4 तो y=0। अब यहाँ पे मान रखेंगे एक्स बराबर 3 मान लीजिए हम रखते हैं, तो एक्स बराबर 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई इक्वल 4 तो -y=4 -3 तो y=-1 -1। यहाँ पे हम देखेंगे इसका भी 3 बिंदु प्राप्त चल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,1, 4,0 और 3,-1, यहाँ पर 3 बिंदु पता चल गया। इसमें आप समीकरण 1 में दोस्तों आप कुछ भी एक्स वाई मान सकते हैं, एक्स का मान रख सकते हैं, वाई का मान कुछ भी आप रख सकते हैं, समीकरण 3 बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी मान रखिए आप अपने, लेकिन छोटा मान ऐसे रखिए कि जो हम जब नंबर रेखा प्रदर्शित करें तो उस पर हम बना सकें। मान लीजिएगा 50 50 रख देते हैं, 50 रख देते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको हम ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी, तो छोटा मान रखिएगा। चलिए इसको ग्राफ द्वारा हम देखते हैं, मान लीजिए एक्स है, इधर एक्स डैश है, वाई है, इधर वाई डैश है, यहाँ पे 0 है और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर पॉजिटिव निगेटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर निगेटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, इधर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको और ऊपर कर लीजिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले समीकरण पहला बिंदु हमको प्राप्त हुआ था 5,5, दूसरा प्राप्त हुआ था 4,6 और 6,4, आपको पता है किसको लिखते हैं तो x,y लिखते हैं। x पे पहले से हम 5 जाएंगे, y पे भी 5 है तो y पे 5 जाएंगे। अब इसको जब ऐसे हम करके ड्रॉ करेंगे दोस्तों और इसको नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे कोई बिंदु आएगा 5,5, एक बिंदु आगे आप इसको इरेजर कर देते हैं। समझने के लिए हम बताए हैं, आप इसको ड्रा कर देंगे लेकिन आप हम रेखा खींचेंगे तो इसको इरेजर कर देते हैं। सेकेंड आया है दोस्तों 4,6, तो यहाँ पे 4 है और ये 6 है, तो ऐसे ड्रा करेंगे फोर कामा सिक्स। थर्ड बिंदु पे आएंगे दोस्तों तो 6,4, तो थर्ड बिंदु पे यहाँ पे 6 है और ये 4 है, जब इसको हम ले जाएंगे तो ऐसे जाएगा और नीचे से 6 ले जाएंगे ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे बनाइए ये हो जाएगा दोस्तों 6,4। अब इसको ड्रा कर दीजिए, यहाँ से जब इसको ड्रा करेंगे तो रेखा आएगी ऐसे,
और ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टेन। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टेन का अंतिम निकाले। अब इसी तरह इसका तो हम ज्ञात कर लेंगे, जो सेकेंड है सेकेंड समीकरण का हम क्या निकाले थे, 5,1, 4,0 और 3,-1। 5,1, 5 हम एक्स पे जाएंगे, एक्स पे, और वाई का 1 है, तो इसको जो यहाँ मिलाएंगे, तो इसको आप मिला दीजिए, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 5,1, इसको इरेजर कर लीजिए। दूसरा है 4,0, तो यहाँ पे बस 4 आएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 4,0, वाई पे 0 हो जाएगा ये भी। और एक आएगा 3,-1, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे है, और ये 3 है, तो इसको जब हम इस तरह मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3,-1। अब इस बिंदु को देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हम इन तीनों को क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, आप इसको सही से मिलाइएगा, ऐसे जाएगा ये, ऐसे चला जाएगा, और ये जो बिंदु होगा ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखिए ये हो जाएगा x-y=4। आई होप कि दोस्तों ये ग्राफ आपको समझ में आएगा। ग्राफ देखिए एक दूसरे को जो देखाएं वो प्रतिच्छेदित कर रही है, जब प्रतिच्छेदित कर रही है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे ए वन अपन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपन बी टू होता है, सॉरी दोस्तों, जब प्रतिच्छेद एक दूसरे को करते हैं तो ए वन अपन ए टू नॉट बी वन नॉट इक्वल बी वन अपन बी टू होता है। यहाँ पे देखिएगा ए वन अपन ए टू का मान दिया है, ए वन का मान एक्स का समीकरण का गुणांक होता है एक्स का, और यहाँ पे एक्स का गुणांक 1 है, और ये बी वन अपन बी टू का यहाँ पे मान दिया है वाई का गुणांक 1 और -1 वाई का, तो -1, तो यहाँ पे देखिए 1 आया और इसका -1 आया, नॉट इक्वल है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। आई होप क्या फिर समझ में आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन पहले का दे रहा है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपया, 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात किए थे। यहाँ पे मानेंगे माना 1 पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, 1 पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, 1 कलम का मूल्य 2 रुपया है, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 पेंसिल का मूल्य, ये 1 पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x+7y=, दे दिया है दोस्तों आपका 50 रुपया, समीकरण 1। अब यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है दोस्तों कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x+ 5 कलम का मूल्य 5y=46, दे दिया है समीकरण 2। ये आपका समीकरण बन गया, समीकरण रूप में प्रदर्शित, ग्राफी रूप में प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, इसको ग्राफी रूप में प्रदर्शित करने के लिए इसके 3 हल होंगे, लिखेंगे ग्राफी रूप में समीकरण के प्रत्येक समीकरण के 3 हल होंगे, प्रत्येक समीकरण के 3 हल होंगे। तब आई दोस्तों के आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको चलते हैं देखते हैं हम ग्राफी रूप प्रदर्शित करने के लिए क्या पढ़ते हैं, पहले टेबल बनाते हैं और यहाँ पे हम समीकरण लिख देते हैं। फर्स्ट समीकरण था 5x+7y=50, फर्स्ट समीकरण था। सेकेंड समीकरण था 7x+5y=46, सेकेंड समीकरण था। फर्स्ट सेकेंड समीकरण था, इसमें हम टेबल बनाएंगे समीकरण फर्स्ट का, जब हम टेबल बनाएंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट से जब हम टेबल बनाएंगे 3 हल इसके होंगे, दो भी हल ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, आपके ऊपर, चलिए 3 लेकर बनाते हैं। यहाँ पे हम x=3 लेते हैं, यहाँ पे हम x=3 लेते हैं, तब मान आ जाएगा 5x3+7y=50, 15+7y=50, 7y=50-15, तो हो जाएगा 7y=35, तो y=5, यहाँ 5 रख दीजिए,
आई होप कि आपको समझ में आया। सॉल्व करने के लिए अब चलते हैं सेकेंड में। अगर हम यक्स बराबर 10 ले लेते हैं, एक्स बराबर सेकेंड में अगर हम 10 ले लेते हैं तो इसमें देखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 50। हाँ एक्स बराबर 10 लेंगे तो 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल 50, तो ये इधर जाएगा तो 7y इक्वल हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे 50 हो जाए तो इधर जाएगा तो शून्य हो जाएगा, तो वाई इक्वल शून्य आ जाएगा, यहाँ पर वाई इक्वल शून्य, ये हो गया। अब यहाँ पे एक दोस्त और हम मानते हैं क्या, चलिए हम इसको माइनस फोर मानते हैं। तो 5 इंटू माइनस फोर प्लस 7y इक्वल 50, तो हो जाएगा 20 माइनस 20 प्लस 7y इक्वल 50, तो हो जाएगा 7y इक्वल 70, तो y इक्वल 10, यहाँ पर y इक्वल 10 ले लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके तीन बिंदु पता चल गए कि एक 5/3, 10/0 और -4/10। और समीकरण दो से जब यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, थ्री बिंदु लेंगे टेबल जब बनाएंगे तो यक्स का मई 1 2 3। अब यहाँ पे जो समीकरण दो से दोस्तों यक्स बराबर हम 8 लेंगे, यहाँ पे 8 लेते हैं तो हो जाएगा 7 × 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। ये 56 प्लस 5y इक्वल टू 46 होगा, 5y इक्वल हो जाएगा माइनस 56 प्लस 46, तो y बराबर 5y बराबर हो जाएगा माइनस 10, तो y बराबर माइनस टू। अब दोस्तों x बराबर अगर यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 7 × 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 × 3 = 21 प्लस 5y बराबर 46, तो इधर जाएगा तो 5y बराबर 46 माइनस 21, तो 5y बराबर 5 2 4, तो y बराबर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो 5। अब एक बराबर x बराबर अगर दोस्तों माइनस हम 2 ले लेते हैं इसमें, तो 7 × -2 प्लस 5y बराबर 46, तो -14 प्लस 5y बराबर 46, तो हो जाएगा जब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5y बराबर 46 प्लस 14, तो 5y बराबर 60, तो y बराबर हो जाएगा 12। तीन मिनट पता चल गया 12। ग्राफी विधि द्वारा इसको हम प्रदर्शित करेंगे, कैसे ग्राफ खींचेंगे, ये वाई, ये यक्स, ये यक्स डैश, ये वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे शून्य रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 or 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 or -12 भी हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12 हो गया। अब दोस्तों फर्स्ट समीकरण में आपको पता चला 5 3 5 10 0 और -4 10, सेकेंड में आपको पता चल गया 8 -2, यहाँ पे 5 3 5 और -2 12, 3 5, यहाँ से इसको जाइए, इसको ही ले जाइए, तो ये जो बिंदु होगी वो हो जाएगा 3 5, 10 0, यहाँ पे 10 है और ये शून्य है, तो यहीं पे हो जाएगा ये बिंदु 10 0, -4 -4, यक्स है -4 और 10, तो -4 इधर आएगा और ये 10 इधर आएगा, तो ये बिंदु यहाँ जाएगा और इसका नीचे आ जाएगा, तो आएगा 3 - 4 10, ये बिंदु हो गया। दोस्तों जब इसको मिलाएंगे, देखिए इसको जब मिलाएंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा और ये रेखा आपका हो जाएगा 5x + 7y = 50। सेकेंड में जाएंगे तो 8 और -2 है, तो यहाँ पे 8 और ये -2 है, तो यहाँ पे बिंदु आएगा 8 -2,
थ्री का वहाँ फाइव है, तो यहाँ पे थ्री और यहाँ पे फाइव जब लेंगे तो यहाँ पे आएगा, थ्री का वहाँ फाइव इसमें भी है, यहाँ पे आएगा थ्री का वहाँ फाइव। एक बिंदु और बच गया, माइनस टू का वहाँ ट्वेल्व, माइनस टू ये इधर है और ये ट्वेल्व ऊपर है वाई पे, तो यहाँ पे बिंदु आएगा माइनस टू का वहाँ ट्वेल्व। अब इसको जब हम मिलाएंगे दोस्तों, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सीधा सीधा इसको मिलाएंगे तो ऐसे जाएगा, ये रेखा ऐसे जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7x+5y=46। आई होप कि आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा अनुपात, तो ए वन अपन ए टू एवं बी वन अपन बी टू और सी वन अपन सी टू तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर तथा संपाती है। इसको आपको कल के वाले वीडियो में हम बताए थे, समांतर संपाती और समांतर संपाती और प्रतिच्छेद कब करती है, तो पहला दिया है 5x-4y+8=0 और इसी में समीकरण युग्म दिया है, तो इसमें दिया होगा 7x+6y-9=0। अब देखेंगे ये रेखा क्या है, संपाती है कि समांतर है कि प्रच्छेदित है, तो इसमें हम ए वन अपान ए टू पहले ज्ञात करेंगे, तो ए वन अपान ए टू यक्स का गुणांक और यक्स का एक समीकरण में यक्स का गुणांक और सेकेंड समीकरण में यक्स का गुणांक 5/7। बी वन अपान बी टू ज्ञात करेंगे, यहाँ पे वाई का गुणांक -4 है तो हो जाएगा -4, और यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का इसमें वाई का गुणांक क्या है 6 है, तो हो जाएगा -2/3, 2 2 = 4 और 2 3 = 3। सी वन अपान सी टू जब करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 8/-9, सी वन और सी टू क्या है अचर पद है, 8/9 आ गया। अब देखेंगे दोस्तों प्रतिच्छेदित कर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, समांतर होंगी संपाती होंगी, तो कल के वीडियो में बताया था प्रतिच्छेद होगी समांतर होगी समानपाती होंगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल बी वन अपान बी टू नॉट इक्वल सी वन अपान सी टू। जब ये नॉन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपान बी टू है, ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल बी वन अपान बी टू है, तो एक दूसरे प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दो एक रेखाएं क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद में क्या होता है ए वन अपन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपन बी टू होता है, और संपाति में दोस्तों क्या होता है, संपाति में होता है ए वन अपन ए टू इक्वल बी वन अपन बी टू इक्वल सी वन अपन सी टू, और समांतर में क्या होता है ए वन अपन ए टू इक्वल बी वन अपन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपन सी टू होता है। तो चलिए दोस्तों प्रतिच्छेद करेंगे, सेकेंड में देते हैं, सेकेंड कह रहा है क्या है 9x+3y+12=0, 18x+6y+24/0। अब इसमें ए वन अपान ए टू ज्ञात करेंगे, ए वन अपान ए टू तो ए वन 9/2 18, तो 9 1 9 9 2 18, तो 1/2। बी वन अपान बी टू ज्ञात करेंगे तो इसमें 3/6 3 1 3 3 2 6 1/2। सी वन अपान सी टू इसमें ज्ञात करेंगे तो 12/24 12 1 12 20 20 1/2। इसमें आप देखेंगे ए वन अपान ए टू इक्वल बी वन अपान बी टू इक्वल सी वन अपान सी टू है, तो ये रेखाएँ क्या है एक का दूसरे को सम एक दूसरे के संपाती हैं, संपाती हैं एक दूसरे के संपाती हैं, ये रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। प्रतिच्छेदित कब करती हैं, जब एक प्रतिच्छेदित का एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब ए वन अपन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपन सी टू, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब ए वन अपन ए टू इक्वल बी वन अपन बी टू इक्वल सी वन अपन सी टू होते, रेखाएँ एक दूसरे के समान संपाती होंगी। और तीसरा कंडीशन इसमें यह होता है दोस्तों, तीसरा कंडीशन ये होता है कि जब ए वन अपन ए टू इक्वल बी वन अपन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपन सी टू होते, एक दूसरे का क्या होंगे समांतर होंगे। तो चलिए फर्स्ट और सेकेंड आपको समझ में आएगा, थर्ड क्वेश्चन हम चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें थर्ड कह रहा है दोस्तों 6x-3y+10
सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टेन इक्वल जीरो। सेकेंड है इसमें टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन, टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इक्वल जीरो। ये देखेंगे क्या है, ए वन अपान ए टू जब हम ज्ञात करेंगे तो सिक्स अपान टू हो जाएगा, थ्री मान आएगा, टू थ्री या सिक्स। बी वन अपान बी टू जब हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री अपान माइनस वन, माइनस वन वाई का गुणांक माइनस थ्री और वाई गुणांक माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी थ्री आ जाएगा। सी वन अपान सी टू जब हम ज्ञात करेंगे तो टेन अपान वन आ जाएगा, इसका मान टेन आ जाएगा। टेन अपान नाइन आ जाएगा, इसका मान टेन अपान नाइन आ जाएगा। हमको यहाँ पता चल रहा है कि ए वन अपान ए टू इक्वल बी वन अपान बी टू है, बट नॉट इक्वल सी वन अपान सी टू है। जब ये कंडीशन आ गया तो ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। ये बार और देख लीजिए दोस्तों, ये दोस्तों देखते हैं इसमें क्या होता है। जब ए वन अपन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपन बी टू, तो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। जब ए वन अपन ए टू ना बी इक्वल टू बी वन अपन बी टू इक्वल सी वन अपन सी टू, तो रेखा एक दूसरे के संपाती होती हैं। और जब ए वन अपन ए टू इक्वल बी वन अपन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपन सी टू होता है, तो रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अगर समझ में आए तो वीडियो को बड़ा और देखिएगा। अगर चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप वीडियो मिस ना करें।